तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रेड की हमेशा ही मैं आपके लिए कोई ना कोई नई रेसिपी लेकर के आती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एकदम नई और आसान सी ब्रेड की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास ब्रेड के 4 पीस कुछ बच गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस बची हुई ब्रेड से एक और नई रेसिपी बना करके दिखाऊं। तो देखिए, इस तरह से मैंने 4 पीस ब्रेड के ले लिए हैं और इन 4 पीसेस को कुछ इस तरह से हमें टुकड़ों में तोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी के लिए 4 से ज़्यादा ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ 4 ही ब्रेड ली है क्योंकि मेरे पास 4 ही ब्रेड रह गई थी। तो इस तरह से देखिए, सारे पीसेस हमने कर लिए हैं और थोड़े बड़े बड़े पीसेस में ही हमने इसे तोड़ा है, ज़्यादा छोटे पीस हमें इसके नहीं करने हैं। अब इसे हम एक साइड रख देते हैं। अब एक हम लेंगे बड़ा सा बाउल, क्योंकि इस बाउल में हम ले रहे हैं अंडे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 2 अंडे लिए हैं, आप चाहें तो 3 अंडे भी इस रेसिपी के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ हम अंडों को फोड़ लेते हैं, इस बाउल में फोड़कर अंडे निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, जो रेसिपी है हम बना रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। और देखिए, अब हमने दोनों अंडे फोड़ लिए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/4 कप दूध। तो थोड़ा गाढ़ा वाला ही हमने दूध लिया है, जो भी आपके घर पर दूध हो आप वो ले सकते हैं। अब इसमें हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और थोड़ा सा हम डाल रहे हैं इसमें काली मिर्च का पाउडर। अब सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो फेंटना आपको अच्छी तरह से है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखकर ये रेसिपी बनाएंगे ना, तो आपकी रेसिपी गड़बड़ हो सकती है। आपको वीडियो फुल वॉच करना है, फिर आपको इस रेसिपी को ट्राई करना है, तो ही जो ये रेसिपी है ना, आपकी अच्छे से बनकर तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ अंडों को अच्छे से फेंट लिया है और यहाँ कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। तो यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च को बारीक कट कर कर लिया है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है और बारीक कटी हुई थोड़ी सी प्याज डालेंगे। और यहाँ मैंने लाल वाली शिमला मिर्च ली है, इसे भी बारीक कट कर कर लिया है। और यहाँ मैंने फ्रेश कॉर्न लिए हैं, इसे भी डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इस मौसम में, बारिश के मौसम में कॉर्न काफ़ी आते हैं, आप ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही अच्छा जो हम ये नाश्ता बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा। तो देखिए, सारी वेजिटेबल्स डालकर एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, इसे पकाना है। तो उसके लिए देखिए, हम इसे एक साइड रखते हैं और देखिए, जो हमने ये ब्रेड के पीसेस इस तरह से बड़े टुकड़ों में करे हैं ना, तो हमें इसे क्या करना है, एक बड़े साइज़ का पेन लेना है और इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो आप इसे बटर से या ऑयल से भी बना सकते हैं, मैं यहाँ सिर्फ 2 छोटा चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और देसी घी को हमें कुछ इस तरह से फैलाते हुए ही डालना है। और डालने के बाद देखिए, जो हमने ब्रेड के पीस करे हैं, वो इस तरह से हमें पैन में सेट करते जाना है। तो इस तरह से पूरे हमें लगा देने हैं ताकि अच्छे से ये सेट हो जाएं। और फ्रेंड्स, इस टाइम पर गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए। जब सारे ही, देखिए, ब्रेड के पीस हमने इस तरह से लगा दिए हैं, देखिए सारे ही सेट हो चुके हैं, तो फिर हमें क्या करना है, जो हमने अंडों का बैटर बनाकर रखा है ना वेजिटेबल्स के साथ, तो वो हमें इसके ऊपर डालना है। तो सारी ब्रेड अच्छे से सेट हो गई है, अब जो हमने अंडों का बैटर लिया है वो इसके ऊपर डाल देते हैं। तो बस देखिए, इस तरह से घुमाते हुए डालना है, यह खुद ही फैल जाएगा। तो देखिए, सारा इस तरह से डाल दिया, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो ही हमें रखना है। तो बस इस तरह से रखने डालने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि पहले ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 2 मिनट बाद जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा ना, फिर हमें इसमें डालना है चीज़। तो देखिए, यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अच्छे से ये सेट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, जब ये अच्छे से सेट हो जाता है, तो इसके ऊपर हम डालेंगे
मोजरेला चीज़, आपके पास अमूल चीज़ हो, चेडर चीज़ हो या चीज़ स्लाइस हो, आप कोई भी चीज़ हो ना वो इसके ऊपर डाल सकते हैं, या फिर बिना चीज़ के भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ चीज़ बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा चीज़ का इस्तेमाल करा है। आप बिना चीज़ के भी बना सकते हैं, और चीज़ के साथ अगर बनाएंगे ना तो नाश्ता काफ़ी टेस्टी बनेगा। तो देखिए ये चीज़ हमने अच्छी तरह से फैला दी है, और गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो ही रखी है। हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई पर नहीं रखना है, ना ही मीडियम रखना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही ये नाश्ता बनेगा। तो जब अच्छी तरह से चीज़ हमने डाल दी है, तो अब इसे हमें कवर कर देना है, और कवर करके अब हम इसे 5 मिनट के लिए रख कर छोड़ेंगे। और फ्रेंड्स जब 5 मिनट हो जाएंगे ना, फिर हम इसे चेक कर कर देखेंगे। तो आप देखेंगे 5 मिनट में ये नाश्ता झटपट से बनकर तैयार हो गया है, अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट हो गया है, और नाश्ता भी बहुत अच्छे से हमारा कुक हो गया है। आप देख सकते हैं आसानी से निकल रहा है, बहुत अच्छे से ये कुक हुआ है। तो बस इसी तरह से हमें पकाना है। थोड़ा सा साइड एजेस हम इसकी छुड़ा लेंगे, जिससे कि ये अगर चिपक भी रहा होगा ना तो निकल जाएगा। साइड एजेस छुड़ा लेंगे, फिर हम इसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स साइड एजेस छुड़ाने के बाद हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद हम आपको इसे दिखाएंगे ये कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, कितना टेस्टी बना है, कितना चीज़ी बना है। तो फ्रेंड्स देखिए देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है, तो सोचिए खाने में कितना टेस्टी लगेगा। अब आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार, कितना चीज़ी ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स अगर आप चीज़ पसंद नहीं करते हो तो आप इसके ऊपर मेयोनीज भी लगा सकते हैं, इस तरह से मेयोनीज से भी गार्निश कर सकते हैं इस नाश्ते को, तो भी काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी चीज़ी ये हमारा नाश्ता बना है, और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसका बैक साइड से देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी करारा से बना है, ये बिल्कुल भी लगा नहीं है, बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी फ्राई हुआ है। और फ्रेंड्स हमेशा ही मैं आप लोग के लिए ब्रेड की नई नई रेसिपीज लेकर के आती रहती हूँ, जिससे कि आप लोग कुछ नया सीख पाएँ। अगर आप लोग को रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। और इसी तरह से आपको हमेशा ही मेरे चैनल पर नई नई रेसिपीज़ देखने को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स मेरे चैनल पर ब्रेड की काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ अपलोड हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर तरह तरह की ब्रेड की रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। अब फ्रेंड्स आप इस टेस्टी मज़ेदार नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं, बच्चों को ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा। और फ्रेंड्स ये नाश्ता हमने ब्रेड से बनाया है, काफ़ी टेस्टी है, हेल्दी है, और बच्चों को इस तरह का नाश्ता काफ़ी पसंद भी आता है, क्योंकि बच्चे अक्सर चीज़ खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है कि हमारे घरों में ब्रेड बच जाती है, फ्रिज में रखी हुई होती है, और हमें समझ में नहीं आता कि हम ब्रेड का क्या बनाएं। तो आप इस टेस्टी मज़ेदार से नाश्ते को ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये नाश्ता आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगा, झटपट से बनने वाला है। और इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाने में ज़्यादा मेहनत या फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट से आप किचन के मौजूद सामानों से इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इस टेस्टी मज़ेदार नाश्ते को बनाइए, एंजॉय करिए। उम्मीद है ये ब्रेड के नाश्ते की रेसिपी सभी को बहुत ही पसंद आएगी। फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी इस टेस्टी मज़ेदार ब्रेड के नाश्ते की ये रेसिपी कैसी लगी।